गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सब डॉक्टर के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में इस चैनल को देखने वाले समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मेरे पूर्व व्याख्यान बर्ड्स माइग्रेशन या एवियन माइग्रेशन की श्रृंखला में आज के इस व्याख्यान में एवियन माइग्रेशन पार्ट टू के रूप में डिफरेंट टाइप्स के माइग्रेटरी बर्ड्स के डिफरेंट माइग्रेशन के प्रकारों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन या काइंड्स ऑफ माइग्रेशन। पक्षियों में आमतौर पर माइग्रेशन अनेक प्रकार से होता है और इनमें से कुछ का मैं आगे उल्लेख कर रहा हूँ। नंबर वन, अक्षांशीय माइग्रेशन या अक्षांशीय प्रवास। इसके अंतर्गत पंखों के उपहार के कारण ही पक्षी सुविधापूर्वक पृथ्वी के दो भिन्न भागों में या एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं, पहुंचते हैं और दो भिन्न भागों का दोहन करते हैं। दोहन करते हैं मतलब उनका लाभ प्राप्त करते हैं। सर्वाधिक परिचित प्रवास अक्षांशीय होते हैं, अर्थात उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर। ये अपेक्षाकृत विशाल भूक्षेत्रों वाले उत्तरी गोलार्ध से अधिक स्पष्ट होते हैं और ग्रीष्मकाल में पक्षी उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्रों के प्रवास करते हैं, जहां खाने और घोंसला बनाने की सुविधाएं होती हैं। आपको कल पूर्व के व्याख्यान में मैंने स्पष्ट किया था कि पक्षी माइग्रेशन क्यों करते हैं। उसका मूलभूत कारण यह था, ये पक्षी अपने नेस्टिंग ग्राउंड्स के लिए, नए नई ऐसी स्थान जहाँ वह सुगमता पूर्वक घोंसला बना सकें, अपने चूजों को बड़ा कर सकें, उनका पोषण कर सकें तथा स्वयं के लिए भोजन की उपलब्धता सहज तरीके से हो सके, ऐसे स्थानों पर ऐसे कारणों से पक्षी प्रवास करते हैं। शीतकाल में जब उत्तर में बर्फ और हिम से ढका हुआ होता है, तब पक्षी आश्रय के लिए वापस दक्षिण की ओर लौट जाते हैं। अनेकों उत्तर अमेरिकी और यूरेशियन पक्षी विषुवत रेखा को पार कर शीतकाल गुजारने के लिए या जाड़ा गुजारने के लिए दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के अधिक निचले और अपेक्षाकृत गर्म भागों में चले जाते हैं। अमेरिका की बटान या सुनहरी टिटहरी, गोल्डन प्लोवर या प्लूवेशिस डोमेनिका शीत के 9 महीने 13,000 किलोमीटर साउथ में दक्षिण में अर्जेंटीना के पैम्पस में व्यतीत करती है और इस प्रकार प्रतिवर्ष दो ग्रीष्मों का आनंद लेते हुए शीत का लेश मात्र भी कष्ट नहीं उठाती या शीत को लेश मात्र भी नहीं जानती, क्योंकि जब शीत ऋतु आती है तो ये पुनः गर्म प्रदेश में
चली जाती है, इसलिए इसको शीत से जूझना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से साइबेरिया के कुछ पक्षी भारत में हिमालय के मैदानों में यात्रा करते हैं और एक विपरीत परंतु अपेक्षाकृत कम संचलन दक्षिण गोलार्ध में होता है, जहां उत्तर की बजाय मौसम उल्टे होते हैं। तो ये था अक्षांशीय माइग्रेशन। दूसरा है देशांतरीय माइग्रेशन या प्रवास, इसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। और इसमें आप यूँ समझिए कि कुछ पक्षी अक्षांशी के स्थान पर देशांतरीय प्रवास करते हैं, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर अथवा विपरीत दिशा की ओर। उदाहरणतः तिलियर या स्टर्लिंग एक पक्षी है जो पूर्व यूरोप या एशिया में अपने जनन क्षेत्र से महाद्वीपीय शीत से बचने को अटलांटिक तट की ओर चला जाता है। इसी तरीके से तुंग प्रवास या एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन, जहाँ कहीं शीतोष्ण क्षेत्रों में बड़े पर्वत होते हैं, ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पक्षी उनके ढालों पर ऊपर नीचे नियमित रूप से प्रवास करते हैं। पक्षी ग्रीष्म पर्वतीय क्षेत्रों में व्यतीत करते हैं परंतु शीत में निचले क्षेत्रों को लौट आते हैं। यह ठंडे ढालों से अधिक सुरक्षित घाटियों को प्रकीर्णन या छोटी यात्रा करते हैं। और तुंगीय या ऊर्ध्वाधर प्रवास, तुंगी का अर्थ होता है एल्टीट्यूडिनल, एल्टीट्यूड की ओर, एल्टीट्यूडिनल या ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है वर्टिकल माइग्रेशन कहलाता है। यह अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतों पर पनडुब्बियों और कारंडवों मतलब कूट्स, ग्रेट ब्रिटेन की बैंगनी हरी अब्दीलों और साइबेरिया के विलों में, आर्मेनिया में ये येलो या विलो पिगमेंट्स में पाए जाते हैं। टार्मिगेन की भूरी पश्चित शीत में सफ़ेद रंग की हो जाती है और आहार कीटों की बजाय ओल्डर पक्षियों या पत्तियों का विलों का होता है। इसी तरह से आंशिक प्रवास भी होता है। आंशिक प्रवास क्या होता है, पार्शियल माइग्रेशन कहते हैं। कभी कभी एक ही जाति की कुछ जनसंख्या प्रवास करती है और बाकी नहीं करती। इस प्रकार शीतोष्ण प्रदेशों की अनेक जातियां केवल आंशिक प्रवासी होती हैं। स्थायी निवासियों में से जो बिल्कुल प्रवास नहीं करती, उसी जाति के नए सदस्यों के आगमन से थोड़े काल तक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार कनाडा और उत्तरी संयुक्त राष्ट्र के बॉर्न आउल या ट्वेटो अल्बा जो कि नीलमी या ब्लू बर्ड्स हैं और अनेकों ब्लू जे दक्षिणी राज्यों की स्थानबद्ध समष्टि में मिल जाने के लिए दक्षिण की यात्रा करते हैं। इसी तरह से सोंगथ्रस, रेड ब्रेस्ट, टिटमाउस और फिंच आदि जो वर्ष पर्यंत दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में आंशिक प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि
शीत में दिखाई देने वाले सदस्य वही नहीं होते जो ग्रीष्म में दिखाई देते हैं, अर्थात दूसरे होते हैं। तो ये इस तरीके से इनके अंदर आंशिक प्रवास भी होता है। इसी श्रृंखला में पांचवा प्रकार होता है अनियमित या जंगल प्रवास, इरेगुलर या वैग्रेंट माइग्रेशन। इन वैग्रेंट का मतलब होता है अनियमित या जंगम, छितराया हुआ इसका अर्थ होता है। कुछ बर्ड्स जैसे बगुलों में जनन के पश्चात वयस्क और तरुण भोजन की खोज और शत्रुओं की सुरक्षा पाने के लिए अपने घर से भटककर कुछ या सैकड़ों मील तक सब दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी तरह कुकुथ्रस और बार्बलर जैसे कुछ कमजोर स्थलीय पक्षी अधिक ऊंचाइयों पर जेट धाराओं, जेट स्ट्रीम्स नामक प्रचंड या शक्तिशाली हवाओं में फंस जाते हैं, जो भूखंड पर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। और कभी कभी समुद्री पक्षी ऐसे तूफानों द्वारा अपने ग्रह सागरों से लगभग 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर दूरी तक चले जाते हैं और अपरिचित तटों पर थक या मरकर गिर पड़ते हैं। इसी तरह से एक प्रकार का प्रवास होता है ऋतु प्रवास, सीजनल माइग्रेशन। शीतोष्ण देशों के फील्ड प्रेक्षकों ने प्रवासी पक्षियों को ऋतुओं के अनुसार समूहबद्ध किया है, ग्रुप बनाया है इनका। और इस प्रकार ब्रिटेन में प्रवास 82 या स्विफ्ट्स, अबाबिल, बुलबुल और कोकिल या कुकू जिसको कहते हैं ग्रीष्म आगंतुक होते हैं, समर विजिटर्स हैं, क्योंकि ये बसंत में दक्षिण से आते हैं, जनन करते हैं और पतझड़ में पुनः दक्षिण की ओर उड़ जाते हैं। कुछ पक्षी जैसे फील्ड फ्रेयर, स्नो बंटिंग और रेडविंग विंटर विजिटर्स हैं, विंटर आगंतुक हैं, शीत आगंतुक हैं, क्योंकि वे पतझड़ में मुख्यतया उत्तर से आते हैं और शीत पर्यंत रुकते हैं और बसंत में फिर उत्तर की ओर उड़ जाते हैं। जबकि कुछ जैसे चाहे स्नेपिस और जलचर, सैंड पाइपर जिनको कहते हैं, मार्ग के पक्षी बर्ड्स ऑफ पैसेज कहलाते हैं और ये वर्ष में 2 बार वर्षा और पतझड़ में अधिक ठंडे और अधिक गर्म दोनों ही देशों को जाते समय दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से एक माइग्रेशन होता है जिसको कहते हैं निर्मोक माइग्रेशन। निर्मोक शब्द का अर्थ होता है मोल्टिंग, मतलब पुराना वस्त्र उतार कर नया धारण करना, पुराने फैदर्स या पुरानी त्वचा को उतार कर, पुराने खोल को उतार कर नया धारण करना, रूप बदल लेना, ये कहलाता है निर्मोक। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोल्ट, इसी से बना है एक शब्द निर्मोक माइग्रेशन प्रवास। तो निर्मोक प्रवास में क्या होता है, प्रवासी पक्षी प्रवास यात्रा के आरंभ में प्रायः निर्मोचन करते हैं जिससे उनकी पक्षित सर्वोत्तम आकार में बनी रहे, जिससे कि उनके पंख समान आकार में बने रहे। निर्मोचन प्रवासों के अंतर्गत पक्षी उपयुक्त क्षेत्रों में पहुंचकर अपने परों को बदल डालते हैं और इस प्रकार के निर्मोक प्रवास बतखों की अनेक जातियों, यूरेशियन शटलक
और वुड सैंड पाइपर्स में पाए जाते हैं। इसी तरीके से जल मुर्गी एंटीडेट जिसको कहते हैं में निर्मोचन तुरंत एवं संपूर्ण रूप से होता है। तो ये हुए अलग अलग तरीके के 7 तरीके के टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं प्रवास में उड़यन के कुछ पालू और विधियाँ, मतलब सम एस्पेक्ट्स ऑफ और मोड्स ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन। कुछ ऐसे बिंदु जो माइग्रेशन में खास होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें नैश या दिशा उड़यन। नॉक्टर्नल, नैश का अर्थ होता है नॉक्टर्नल अर्थात रात्रि, एंड डायूर्नल फ्लाइट्स, दिवा उड़यन का मतलब होता है दिन में उड़ने वाले और रात में उड़ने वाले, तो डाई नॉक्टर्नल एंड डायूर्नल फ्लाइट्स। पक्षियों की कुछ जातियाँ दिन के समय तथा कुछ जातियाँ रात्रि के समय प्रवास करना पसंद करती हैं, जबकि बतख, गंगा चिलियाँ मतलब जिनको गल्स कहते हैं GULLS गल्स, तटीय पक्षी कोस्टल बर्ड्स एवं अनेकों दूसरे रात्रि और दिन दोनों समय प्रवास कर सकते हैं। अनेक बड़े पक्षी जैसे कौवे, अबाबिल, रॉबिन्स, कस्तूरी मतलब ब्लैक बर्ड्स, बाज, नीलमी, ब्लू बर्ड्स इनको कहते हैं, जेज, सारस, लून्स, पेलिकन्स, राजहंस जिनको अंग्रेजी में गूज कहते हैं, और अन्य तटीय पक्षी मुख्यतया दिन के समय उड़ते हैं। वे उचित स्थानों पर चुगने को रुक सकते हैं, परंतु अबाबिलों और बतासियों में वायु में उड़ते समय ही अपने भोजन कीटों को पकड़ लेते हैं। इसी तरह से डायूर्नल माइग्रेशन में मतलब दिवा प्रवासियों में दलों में उड़ने की अधिक प्रवृत्ति होती है। इनमें झुंड भांति भांति संगठित हो सकते हैं। बतख, राजहंस और हंस यह अल्प संगठित होते हैं, परंतु पक्षियों का विशाल बहुमत मुख्यतया नैस प्रवासी होता है। इनमें अधिकतर छोटी पैसरी चिड़ियाँ होती हैं जैसे फुदकियाँ, सरालियाँ और गौरैया आदि होते हैं। शत्रुओं से बच निकलने के लिए वे रात्रि में अंधकार के सुरक्षा आवरण में उड़ना पसंद करते हैं। प्रवास काल में पृथक्करण क्या होता है? कतिपय पक्षी ऐसे भी होते हैं जैसे नैसबाज, इनको नाइट हॉक्स कहते हैं, बतासियाँ और मिनरंक किंग फिशर्स, ये पृथक टोलियाँ में बना करके यात्रा करते हैं, जबकि अबाबिल, पिरू, नीलमी आदि अनेक जातियाँ अपने आकार और भोजन खोजने की विधि में समानता के कारण मिश्रित टोलियों में यात्रा करते हैं। कुछ स्पीसीज में नर या मादा सदस्य पृथक पृथक यात्रा करते हैं। नर घोंसले बनाने को पहले पहुँचते हैं, तरुण सदस्य सामान्यतः मादाओं के साथ रहते हैं। आमतौर पर होता क्या है, नेस्टिंग के लिए घोंसले बनाने का काम बर्ड्स में आमतौर पर मेल्स करते हैं। प्रवास का परास, रेंज ऑफ माइग्रेशन, ये क्या होता है? प्रवासी पक्षियों द्वारा तय की गई दूरी स्थानीय दशाओं और सम्मिलित जाति पर निर्भर होती है। इस कारण हम ठीक सुनिश्चित मार्ग पर चलने वाले स्थानिक प्रवासी गतियां देखते हैं। हिमालयन स्नो तीतर, हिमालय का जो तीतर होता है केवल कुछ 30 मीटर ही नीचे उतरता है और कठिनाई से 1 या 2 किलोमीटर तय करते हैं, जबकि चिकेड्स लगभग 2500 मीटर नीचे उतरते हैं। तय की गई दूरियों के कारण कुछ प्रवासी उड़ने में प्रख्यात हो चुके हैं। लंबी दूरी का चैंपियन प्रवासी या प्रवासी पक्षियों का सम्राट जिसको कहते हैं, वो निश्चित रूप से
आर्कटिक टर्न या इस्टर्ना पैराडाइजिया उन ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर लेबराडोर के दूर तक फैले सर्वाधिक ऊंचे हिमालयी तटों पर ग्रीष्म बिताते हैं और जनन करते हैं। ये शीत में अपने गंतव्य दक्षिणी ध्रुव के किनारे पर पहुंचते हैं और इसके लिए लगभग 17,500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और ग्रीष्म में उसी दूरी से पुनः लौटते हैं। इस प्रकार यह अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली पंखों वाला पक्षी प्रतिवर्ष लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेता है। 1,700 किलोमीटर एक, 1,750 किलोमीटर दूसरी तरफ, तो 17 दिन 34 और 3,500 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है इनकी। इस तरीके से लंबी उड़ान से प्रतिष्ठित अन्य पक्षियों में गोल्डन प्लेवर्स या सैंड पाइपर्स, बॉबलिंग्स और वीट स्टार्क्स और अबाबिल हैं, जो आर्कटिक से लेकर दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के घास के पैम्पस या पेंटोमिया के सागर तटों तक 9,500 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। और इसी प्रकार से यूरोप का कबर या व्हाइट स्टार्क लगभग 13,000 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से जाड़ा व्यतीत करने पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से गोल्डन फ्लोवर बिना रुके सर्वाधिक लंबी उड़ान का विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हैं, और यह उत्तरी अमेरिका से हडसन खाड़ी और अलास्का से दक्षिण अमेरिका तक लगभग 4,000 किलोमीटर का फासला पूरा करते हैं। यद्यपि यह उड़ने के लिए अर्जेंस द्वीप समूह के ऊपर होकर प्रवास करते हैं, तथापि विश्राम के लिए नहीं रुकते और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से यह अपना मार्ग 48 घंटे में तय करते हैं। और इसी भांति लघु गोल्डन प्लेवर प्लेविसिस डोमिनिकस, इसका जूलॉजिकल नेम है प्लेविसिस डोमिनिका, ये अलास्का से हवाइंग द्वीप समूह तक बिना रुके लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इंटरेस्टिंग बर्ड्स और उनके माइग्रेशन, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी मैं इसको दो और पार्ट्स में माइग्रेशन को डिस्कस करूँगा कल के और परसों के लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।